गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एमएसपीजी कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली क्लास जो थी अपन ने उसमें पढ़ रहे थे मेथड ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके अंदर अपन ने दो तीन मेथड पढ़ लिए थे, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजेनियस, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, इक्वेशन रेड्यूसिबल टू होमोजेनियस फॉर्म, इक्वेशन रेड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। अब उसके बाद में जो अपना नेक्स्ट मेथड है वो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इसकी अगर अपन डेफिनेशन देखते हैं तो डेफिनेशन के हिसाब से अगर कोई इक्वेशन अपना सोल्व नहीं हो रहा तो एक उसके अंदर एक प्रिमिटिव होता है, उससे अपन इसको मल्टीप्लाई करके अपन उसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं। उस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को फिर अपन सोल्व करते हैं। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की जो नॉर्मल इक्वेशन होती है वो होती है एम डी एक्स प्लस का एम डी वाई बराबर का जीरो। या अपनी अगर कोई नॉर्मल इक्वेशन दे रखी होती है एम डी एक्स प्लस एम डी वाई इक्वल्स टू जीरो, यहाँ पे जो m और n है वो किसके पद होंगे, या तो x के पद होंगे या y के पद होंगे। और उसके बाद में जो अपनी इक्वेशन है वो अपन डिवाइड करेंगे। अगर मान लो एक चीज याद रखनी है, यहाँ पे m के साथ कौन सा है dx आ रहा है, तो यहाँ क्या आएगा n के साथ dx। तो अपनी जो नॉर्मल कंडीशन बनेगी वो बनेगी ये वाली। ये क्या है अपनी कंडीशन टू चेक एग्जैक्ट इक्वेशन, कंडीशन नेसेसरी कंडीशन, सॉरी इसको नेसेसरी मतलब ये तो होना ही चाहिए। अगर ऐसी इक्वेशन दे रखी होगी तभी अपना इक्वेशन क्या रहेगा एग्जैक्ट कंडीशन में रहेगा। अगर ऐसा अपनी इक्वेशन दे रखी हो तो उस केस के अंदर जो अपना फाइनल सॉल्यूशन आता है वो आता है एम इंटू डी एक्स प्लस का समाकलन एम माइनस, आप क्या करेंगे डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल वाई किया, डेल अपॉन डेल वाई के बाद में अपन उसके अंदर क्या करेंगे एम इंटू डी एक्स का डी वाई। अपना ये फॉर्मूला आया यहाँ से, इसका मतलब पहले क्या है एम डी एक्स, एम इससे आएगा एम डी एक्स निकालेंगे, उसके बाद में एम माइनस का डेल्टा अपॉन डेल वाई एम डी एक्स डी वाई बराबर का ये जीरो। ये अपनी फर्स्ट कंडीशन हो गई। इसके अंदर अपन इसी प्रकार दूसरी अपनी कंडीशन बनेगी, वो बनेगी एन डी वाई प्लस का एम माइनस का डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स समाकलन एन इंटू डी वाई का होल डी एक्स। ये अपनी क्या बनेगी दो कंडीशंस बनेगी, इससे एग्जैक्ट कंडीशन से एग्जैक्ट कंडीशन अपना ये आया तो अपने इससे क्या मान सकते हैं, ये अपना क्या है एक अभिष्ट हल है। अब इसको मैं एक दूसरी फॉर्म में इसको ये कर सकता हूँ कि यहाँ पे एम डी एक्स आ गया एम इंटू डी एक्स आ गया, तो अब क्या बचेगा यहाँ पे एक्स के पद आ गए तो अपनी जो दूसरी कंडीशन है तो जो एन डी वाई आएगा प्लस अपने जो सॉल्यूशन के अंदर एन डी वाई आएगा एन डी वाई एन डी वाई के अंदर यहाँ पे वाई के पद है तो यहाँ पे एक्स का कोई पद नहीं आएगा। तो एक्स से अपना जो पहला क्वेश्चन है वो दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस का ए वाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस का ए वाई डी एक्स बराबर दे रखा है अपने को ए एक्स माइनस का वाई, ए एक्स माइनस का वाई स्क्वायर डी वाई। ये मेरे को इक्वेशन के अंदर दिया गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस का ए वाई डी एक्स एक्स ए एक्स माइनस का वाई स्क्वायर डी वाई। अपन ऐसा क्वेश्चन आता है तो अपन कौन सा मेथड अप्लाई कर देते हैं वेरिएबल सेपरेबल, लेकिन यहाँ पे क्या है वेरिएबल सेपरेबल नहीं है तो अपन क्या करेंगे इसके लिए अपन एम डी एक्स प्लस का एम डी वाई निकालते हैं। सबसे पहला मेरा था एम डी एक्स, एम डी एक्स यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का ए वाई, तो ये अपना क्या बन गया यहाँ से एम, ये क्या बनेगा मेरा ये बनेगा मेरा एम, एम और एम की वैल्यू यहाँ से आई गई। अब क्या निकालेंगे अपन डेल एम अपॉन डेल वाई, डेल एम अपॉन डेल वाई निकालूंगा तो इसका मैं वाई के रेस्पेक्ट में करूंगा तो ये क्या बन जाएगा माइनस का ए, एक्स स्क्वायर का क्या बन गया जीरो। और यहाँ पे अगर अपन डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालते हैं तो ये क्या बनेगा यहाँ से, ये बनाया यहाँ से माइनस का वाई स्क्वायर तो ये बनेगा यहाँ से ए, तो ये ए ए बना ए, पर अपने यहाँ ये इक्वल टू साइन है उसको अगर अपन प्लस में लेके आऊंगा इधर लेके आऊंगा तो ये बनेगा माइनस का, तो ये हो गया माइनस का ए एक्स इक्वल टू जीरो, तो एन की वैल्यू कितनी आएगी ये वाली, तो अगर मैं माइनस करूंगा तो ये भी माइनस हो गया। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ डेल एम अपॉन डेल वाई बराबर अपना दे रखा है डेल एन अपॉन डेल एक्स। तो अपनी जो इक्वेशन है वो क्या है कौन सी फॉर्म में है एग्जैक्ट फॉर्म में दे रखी है, एग्जैक्ट फॉर्म में दे रखी है। अब एग्जैक्ट फॉर्म में दे रखी है तो मैं पहली चीज क्या थी मेरी एम इंटू डी एक्स, एम एम क्या दे रखा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का ए वाई का क्या करना था
अपने को m into dx है तो मैं निकालना यहाँ से dx, फिर उसके बाद में प्लस मैंने बोला कि जो अपना m into dy उसके अंदर अपनी कौन सी टर्म नहीं होनी चाहिए, x की टर्म नहीं होनी चाहिए, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा ये y स्क्वायर, ये माइनस का ना इसको मैं लिख रहा हूँ y स्क्वायर माइनस का ax into dy बराबर का जीरो, ये अपना क्या हो गया फाइनल सॉल्यूशन। अब इसके अंदर क्या होना चाहिए मेरा कि मेरे पास x की कोई टर्म नहीं होनी चाहिए, x की टर्म नहीं होगी तो ये मेरा बन गया y स्क्वायर dy। अब इसका मतलब ये हो गया x क्यूब बाई थ्री माइनस का axy, x क्यूब माइनस थ्री माइनस का axy प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा y क्यूब बाई थ्री प्लस का c, तो अपना जो यहाँ से फाइनल आंसर आएगा वो क्या बनेगा, ये अपना जो फाइनल आंसर बनेगा x क्यूब बाई थ्री प्लस का y क्यूब बाई थ्री माइनस का axy। अपना ये मेथड यूजफुल है यहाँ पे, कब यूजफुल है जब अपनी इक्वेशन क्या दे रखी हो एग्जैक्ट फॉर्म में दे रखी हो। इसको अपन और भी सिंपलीफाई करके लिख सकते हैं x क्यूब प्लस y क्यूब माइनस का 3axy बराबर का 0। इक्वेशन आ गई अपनी ये वाली, यही अपने को सॉल्व करना था। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन दे रखा है मेरे को y sin 2x माइनस का y स्क्वायर प्लस का cos स्क्वायर x प्लस 1 dy बराबर दे रखा है मेरे को, यहाँ पे 0 दे रखा है। इस क्वेश्चन को अपने को क्या करना है, सॉल्व करना है। अब अपने को सबसे पहले इसके लिए क्या निकालना है, एम डी एक्स और एन डी वाई। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं डेल एम अपॉन डेल वाई निकाल लेता हूँ। ये क्या है, y sin 2x dx है, ये मेरा क्या है m, और ये क्या दे रखा है मेरे पास n दे रखा है। m मेरा क्या हो जाएगा y sin 2x, sin 2x तो बाहर आ गया, sin 2x बाहर आया, डिवाइड किया डेल एम y से y किया तो sin 2x मेरा यहाँ से आ गया। अब उसके बाद में मैं निकाल रहा हूँ डेल एन अपॉन डेल वाई, डेल एन अपॉन डेल वाई यहाँ से क्या हो गया, ये देखो सॉरी डेल एन अपॉन डेल एक्स, तो ये वाई स्क्वायर का हो गया जीरो, कोस स्क्वायर एक्स का करेंगे अपने को करना है डेल अपॉन डेल एक्स, इसका कोस स्क्वायर एक्स का, कोस स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर एक्स को मैं लिखूंगा 1/2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो इसका बन जाएगा 2 sin x कोस एक्स। अब 2 sin x cos x क्या होता है अपना sin 2x, तो अपने को एग्जैक्ट इक्वेशन दिख रही है कि डेल एन अपॉन डेल वाई बराबर क्या दे रखा अपना डेल एन अपॉन डेल एक्स, तो अपनी ये क्या है एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसके बाद अपने को जो दूसरी स्टेप है वो क्या दे रखी है, अब इसका अपने को क्या निकालना पड़ेगा, अभीष्ट हल निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो मेरा इक्वेशन लगाता हूँ मैं एम डी एक्स माइनस का, इक्वेशन क्या थी अपनी एम डी एक्स माइनस कौन सा क्या करते थे अपन, n माइनस का डेल्टा अपॉन डेल वाई, यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं एन डी वाई बराबर अपनी जो अभीष्ट इक्वेशन थी वो अपनी ये वाली दे रखी थी n माइनस का डेल्टा अपॉन डेल्टा वाई एम डी एक्स बराबर जीरो। ये इक्वेशन दे रखी है, सबसे पहले मैं क्या निकाल सकता हूँ m into dx मेरे पास दे रखा है y sin 2x dx, ये मेरे को फाइंड करना है y sin 2x dx। अब यहाँ से मेरा y बाहर आ गया, ये क्या बचेगा sin 2x, अब sin 2x कैसे करेंगे, y sin 2x को होता है cos 2x divide by 2, ये बना यहाँ से। अब अपने को क्या निकालना है, sin ये आ गया, अब इसका मैं क्या कर दूंगा मैं del upon del y, इसका y cos 2x माइनस का हो जाएगा ना, माइनस का cos होता है ना, तो ये हो गया माइनस का cos 2x by 2, तो यहाँ से cos 2x by 2 तो बाहर आ गया, y का हो गया 1, तो ये हो गया cos 2x divided by 2। अब इसमें से अपने को क्या माइनस करना है, y square बराबर y square plus का जो अपना y square plus cos square x plus का 1 है उसमें से अपने को माइनस करना है cos 2x by 2। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, अब यहाँ से अपन इसको करेंगे तो ये एन माइनस
डेल्टा वाई है उसकी वैल्यू जो पुट करूंगा मैं, तो अपने जो यहाँ से फाइनल वैल्यू आएगी ये आ गई है ए के, तो ये हो गया माइनस का 3/2 माइनस का वाई स्क्वायर। या मैं अब इसका मेरे को क्या करना है, माइनस का 3/2 माइनस के वाई स्क्वायर, तो मैं क्या कर दूंगा डिफ्रेंशिएशन कर दूंगा। डिफ्रेंशिएशन किया तो इसका तो हो गया माइनस का 3/2 वाई माइनस का वाई क्यूब बाई 3, ये अपना आ गया। यहाँ से अपना जो फाइनल आंसर आएगा, फाइनल सोल्यूशन, वो आएगा y स्क्वायर प्लस, सॉरी मैंने क्या एम डी एक्स निकाला ना मैंने, तो वो निकाला मेरा एम डी एक्स क्या है यहाँ से cos 2x by 2, तो ये आया cos 2x by 2 माइनस का 3/2 y माइनस का y क्यूब by 3, ये अपना क्या आएगा फाइनल सॉल्यूशन आएगा। अब इसके बाद में अपन एक मेथड और बच रहा है, वो अपन देखते हैं। उस मेथड के अंदर क्या करता है, अपने इंटीग्रेटिंग जो इक्वेशन होती है वो अपन को एक सूटेबल फॉर्म में डिफाइन नहीं होती, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेते हैं। उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से अपन क्या करेंगे, जो अपनी जो पूरी इक्वेशन दे रखी है उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से उस इक्वेशन को अपन क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। अगर अपनी इक्वेशन उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से डिवाइड हो गई तो वो अपनी इक्वेशन क्या हो जाएगी सूटेबली फॉर्म में आ जाएगी, उसके बाद में अपन उसको सोल्व कर लेंगे। कैसे अपन इसका इक्वेशन देखते हैं इसे का कैसे अपन यूज करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, और उसके बाद में अपन उसको सॉल्व करते हैं। जैसे मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है, पहला क्वेश्चन है y x + 1 dx + का x 1 माइनस का x y dy बराबर का 0, ये मेरे को दे रखा है इक्वेशन के अंदर। अब मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ पे देखो ये y के साथ x आ रहा है, कुछ आ रहा है, अपन इसको क्या कर सकते हैं सूटेबली नहीं लिख सकते, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जो मेरा x है मैं लिख रहा हूँ x dy मेरा यहाँ से आ गया। x dy के बाद में क्या लिख रहा हूँ मैं इसको, x dy इससे आ गया तो ये हो गया y into dx, x dy यहाँ से आया मैंने किया y into dx, तो ये अपना बना x dy plus का y dx। अब उसके बाद में जो अपना जो भी चीज बच जाएगी उसको अपन ऐसे कैसे लिख रहे हैं, अब xy मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे क्या बचेगा, xy को मल्टीप्लाई करने के बाद में ये बचा y dx, यहाँ से y dx बचेगा y dx माइनस का x into dy बराबर 0, ये अपना क्या बनेगा यहाँ से xy y dx माइनस का x dy बराबर का 0। अब क्या करेंगे, अपन इक्वेशन अपनी सूटेबल फॉर्म में आ गई नहीं है, तो इस इक्वेशन को सूटेबल बनाने के लिए मैं मान लो यहाँ पे x² / y² से डिवाइड करता हूँ, x² / y² से डिवाइड करने पर अगर मैं इक्वेशन को x² / y² से डिवाइड करूंगा तो अपना यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, यहाँ पे जो इक्वेशन बनी है वो बनेगी x dy plus का y dx divide by x² plus का y square plus मेरा दूसरा दे रखा है y dx minus का x dy divide by xy बराबर का 0। तो अपनी जो इक्वेशन बनी है वो देखो यहाँ पे एक अपनी x dy plus का y dx plus y dx माइनस का एक्स डी वाई। अब मेरे को एक चीज बताओ, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स x² + y² किसका अपने पास फॉर्मूला होता है, अगर मैं इसको करूं dy/dx किसका, x / y का, x1/xy का किया तो x, फिर उसको करे dy 1 का किया dy, x² / y² u dv/dx प्लस का v dv/dx, ये अपने पास इक्वेशन आई तो अपना ये बन गया माइनस का 1/dx 1/xy प्लस ये क्या बन गया यहाँ से d log, अब इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इसका बोल हो गया अपना d log x/y, ये x/y का क्या हो गया d log हो गया। अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इसको dy/dx को अगर मेरे को हटाना है तो इसके लिए मैं क्या करूँगा समाकलन कर दूंगा, अगर मैंने यहाँ पे समाकलन किया तो ये क्या बनेगा यहाँ से 1/xy प्लस का log x/y, ये अपना इक्वेशन आ गई, यही अपना क्या है फाइनल सॉल्यूशन है। तो
अपना जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है इक्वेशन के अंदर वो किस लिए यूज़ किया जाता है, अपनी इक्वेशन को सूटेबल बनाने के लिए। इक्वेशन अगर अपनी सूटेबल बन गई उसके बाद में अपन इक्वेशन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। इसी के साथ अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगला जो अपनी क्लास रहेगी उसके अंदर पढ़ेंगे कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो फर्स्ट डिग्री अपन ने अभी तक पढ़ा फर्स्ट डिग्री फर्स्ट ऑर्डर, अगर अब अपन पढ़ेंगे हायर डिग्री फर्स्ट ऑर्डर। अपनी जो इक्वेशन है वो dy बाई dx की जगह क्या आएगी, सेकंड ऑर्डर, जैसे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, या इक्वेशन अपनी जो आएगी वो आएगी किसी फॉर्म में डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर। थैंक यू।